बच्चों का भविष्य उनके शुरुआती और बुनियादी शिक्षा पर निर्भर करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सितंबर 2019 से शुरुआत की मिशन प्रेरणा की। आज मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 1,59,000 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर 1,80,00,000 बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ना है और वास्तविक परिणाम पाने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा किया जा सके। कक्षाओं को बेहतर कैसे बनाएं? इसके लिए बुनियादी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण संग्रह जैसे 3 मॉड्यूलों में ध्यानाकर्षण और आधारशिला जैसी पुस्तकों के माध्यम से 5,75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की देखरेख में प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले टीचर मैनुअल बनाया गया, जिसमें प्रेरणा सूची द्वारा शिक्षण कार्य व्यवस्थित और बेहतर बनाने के साथ शिक्षकों के कार्य व्यवहार सुनिश्चित हो रहे हैं। यानी अब विद्यालयों में विषय को रुचिपूर्ण और बेहतर बनाने के लिए दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें हम सबको मिलकर जल्द से जल्द पूरा करना है। प्राथमिक प्रेरणा तालिका द्वारा हर 3 महीने में बच्चों की पढ़ाई का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे मूल सभी ब्लॉक स्तर के स्कूलों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिल सके। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम को बढ़ाने और स्कूलों की निगरानी की कमान संभालने के लिए जिले के हर ब्लॉक में हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी के 5-5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ERPs के हिसाब से एक बड़ी फौज तैयार की गई है। इसी तरह सभी ब्लॉक के ERP को मिलाकर जिला स्तर पर एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप का गठन भी किया जा रहा है। ये प्रदेश के चुने गए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। इनके द्वारा कक्षाओं में सकारात्मक देखरेख की जा रही है। ERPs की ये फौज हर महीने प्रदेश के 1.5 लाख स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। इस मिशन के तहत अध्यापक और अध्यापिकाओं को निष्ठा प्रशिक्षण और दीक्षा ऐप में 4,000 से अधिक ट्रेनिंग वीडियोस जैसे डिजिटल माध्यमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी हैं। इन सभी शिक्षण कार्यक्रमों से शिक्षक बेहद उत्साहित हैं। प्रदेश में उन्नत तकनीक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से निरीक्षण की महत्वपूर्ण जानकारी राज्य स्तर तक पहुँच रही है। स्कूलों में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, लर्निंग आउटकम, सपोर्टिव सुपरविजन के डैशबोर्ड बनाए गए हैं और राज्य, जनपद एवं खंड स्तर पर निरंतर इनके द्वारा मॉनिटरिंग करी जा रही है। मिशन प्रेरणा के तहत अब जल्द ही ब्लॉक स्तर पर होने वाले नामांकनों के एक थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन कराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्ता परक शिक्षा प्रेरक ब्लॉक से प्रेरक जनपद और प्रेरक मंडल से प्रेरक प्रदेश की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेगी। बच्चों की शैक्षिक नींव को मजबूत बनाने वाले इस जन आंदोलन में शासन, प्रशासन, हर जिम्मेदार अधिकारी और बच्चों के माता पिता के साथ हर आम नागरिक की सहभागिता है, जिससे उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का स्तर लगातार बेहतरी की ओर अग्रसर हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी, शिक्षक, बच्चे और अभिभावक मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्साहित हैं।
लारा द लेडी बर्ड वाले और स्पेशल बग अनलाइक ऑल हर फ्रेंड्स सी हैड ब्राइट येलो विंग्स। अरे वाह तुमने तो बहुत तेज पढ़ा, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा। क्यू आर कोड से